दोस्तों वीवो अपना न्यू स्मार्टफोन वीवो V45G को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस फोन के इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस को लेकर के एक नया अपडेट आया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये फोन लुक वाइज कैसा होगा, इस फोन में क्या क्या चीज़ें मिलेगा और ये फोन कितने प्राइस पे इंडिया में आएगा और ये फोन इंडिया में कब आएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इंडियन वेरियंट के बॉक्स में चार्जर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में वीवो V45G के बारे में। सबसे पहले इस फोन के लुक का बात करें तो इस फोन का बैक लुक कुछ इस तरीके का रहेगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बैक साइड से फोन अच्छा होगा। इस फोन के बैक साइड पे ग्लास का बैक रहेगा, फ्रेम प्लास्टिक का ही होगा और इसमें दो कैमरा का सेटअप रहेगा और एक LED फ्लैश मिलेगा और कैमरा मॉड्यूल में जाइस का ब्रांडिंग होगा। फोन इन हैंड फील में भी बढ़िया होगा, जब आप फोन को हाथ में लेंगे तो आपको प्रीमियम सा फील देगा। वहीं फोन फ्रंट साइड से कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा, जहां साइड का बेजल्स और चेन बहुत कम रहेगा। फोन फ्रंट साइड से भी बढ़िया होगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन लुक में अच्छा होने वाला है। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एक AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंचोल वाला कर्व डिस्प्ले होगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होगा और इसमें पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स तक का रहने वाला है। देखिए डिस्प्ले में फोन बेस्ट होगा, जब आप फोन को चलाएंगे तो फोन चलाने में आपको एकदम स्मूथ लगेगा। स्क्रोलिंग में, ब्राउजिंग में, ऐप ओपन क्लोज में, ये सब में बहुत अच्छा होगा। डिस्प्ले का टच सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़िया रहेगा और वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस में भी बेस्ट होगा। जब आप इसमें कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे या कोई 4K वीडियो प्ले करेंगे या कोई सॉन्ग प्ले करेंगे हाई रेजोल्यूशन वाला, तो आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। डिस्प्ले में फोन आपको सेटिस्फाइड करने वाला है। और ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आएगा तो IP रेटिंग में कोई कमी नहीं रहेगा, फोन बारिश और डस्ट को आराम से झेलने वाला है। वहीं इस फोन के प्रोसेसर का बात करें तो ये फोन स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी है और इसका NT2 स्कोर 8 लाख से ज़्यादा रहेगा। और जब आप इस फोन में नॉर्मल टाइप का गेमिंग करेंगे तो गेमिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। नॉर्मल टाइप के गेमिंग में फोन बेस्ट होगा, चाहे आप BGMI खेलें या PUBG खेलें, ये सब में अच्छा रहेगा। लेकिन हैवी गेमिंग कीजिएगा या बहुत देर तक कंटिन्यू गेमिंग कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ये फोन एक नॉर्मल यूजर के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। और आपको बताते चलें कि प्रोसेसर में कोई अपग्रेड नहीं किया गया है, इसमें एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर तो मिलना ही चाहिए था। वहीं इस फोन के स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें तो ये फोन LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ ही आएगा। और जब आप इस फोन में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करेंगे या बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन को रन करेंगे या कोई एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल करेंगे तो ये सब चीज़ें ठीक ठाक से हो जाएगा। फोन स्टोरेज और रैम टाइप में ठीक ठाक ही रहने वाला है। वहीं इस फोन के बैटरी का बात करें तो इसमें 5500mAh का बैटरी होगा, जहां 80 वाट के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी रहेगा, तो फोन बैटरी में भी बेस्ट होगा। और लीक्स में बताया जा रहा है कि इंडियन वेरिएंट के बॉक्स में चार्जर भी मिलने वाला है और इस फोन में मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट आपको मिल सकता है। इस फोन में आप मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। और ये फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आएगा तो फोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी बहुत अच्छा होगा। और ये फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, इंडिया के सारे इंपोर्टेंट बैंड का सपोर्ट मिलेगा। फोन 5G कनेक्टिविटी में बेस्ट रहेगा और 5G नेटवर्क पे स्पीड भी बहुत अच्छा देगा। वहीं इस फोन के कैमरा का बात करें तो इस फोन में मेन कैमरा 50 MP का होगा, जहां की OIS भी रहेगा और 50 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। सेल्फी में भी 50 MP का सेल्फी कैमरा होगा और इस फोन के कैमरा का जो लेंस होगा वो जाइस का होगा, ये जाइस पावर्ड कैमरा होगा। इस वजह से फोकसिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा और फास्ट होगा। और जब आप इस फोन के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त निकाल के देगा। डिटेलिंग को भी अच्छे से मेंटेन रखेगा, कलर को भी अच्छे से बैलेंस करेगा, डायनेमिक रेंज में भी बढ़िया होगा, रेट शॉर्ट्स भी कमाल का निकाल के देगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन कैमरा में भी बहुत अच्छा होगा और आप लोगों को सेटिस्फाइड भी करने वाला है। और दोस्तों ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा, इसमें 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। तो ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा और ये एंड्रॉइड 16 तक जाने वाला है। दोस्तों यही सब पूरा डिटेल्स था ये वीवो V45G से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल्स से तो देखिए साफ क्लियर है कि प्रोसेसर में ये फ़ोन थोड़ा सा डाउन जरूर रहेगा, बाकी सारे चीज़ों में फ़ोन बढ़िया होने वाला है। वहीं इस फोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों लीक्स में बताया जा रहा है कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में डिस्काउंट के बाद 27,000 या फिर 28,000 के प्राइस पे मिल सकता है। इसका लॉन्च प्राइस 30,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन कार्ड डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन आपको 30,000 से कम में मिलने ही वाला है। वहीं इस फोन के इंडिया लॉन्च का बात करें तो दोस्तों लीक्स में बताया कि ये फोन इंडियन मार्केट में अगस्त के मंथ में लॉन्च होने वाला है। अब किस डेट पे होगा ये अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि ये फोन 10 अगस्त के आसपास लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट आया था वीवो V45G से रिलेटेड वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।